डिस्क्रिप्शन बॉक्स गो एंड चेक इट आउट। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं, कैसा होने वाला है छल्ले आवे ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है। स्टार्ट कर दो। We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. I'm getting goosebumps. I don't know why. Oh. कोई अज छल्लिया कोई कल छल्लिया वे goosebumps देखो यार। कोई मुड़ चलिया कोई मुख चलिया वे तू क्यों माही चले आवे 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 चले आवे। इश्क गुलाबी रंग तलकिया कंडियां तो ज्यादा कुछ भी नहीं इश्क गुलाबी रंग तलकिया कंडियां तो ज्यादा कुछ भी नहीं सी पानी दे बुलबुले तू ज्यादा तेरा वादा कुछ भी नहीं सी तू रब पुलिया तू सब पुलिया वे तेनू याद करा मैं बस कल्या वे तू क्यों माही छल्ले आवे 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 छल्ले आवे कोई अज छल्ला कोई कल छल्ले तू क्यों माही चले आवे चले आवे। ओके थोड़ा सा ना स्टोरी और लिरिक्स अगर हम दोनों को देखे ना तो दोनों ना मतलब बहुत डिफरेंस है। अगर तुम सिर्फ ऑडियो ट्रैक सुनोगे तो कुछ अलग लगेगा बट अगर तुम वीडियो के साथ देखोगे ना तो तुम्हें एक अलग ही स्टोरी माइंड में बन जाएगी। लिरिक्स के अकॉर्डिंग हम अगर ऑडियो ट्रैक में सुनेंगे तो हमें इतना कुछ खास समझ नहीं आएगा जितना 50% भी नहीं समझ आएगा अगर देखा जाए तो है ना। मेरे ख्याल से 20-30% ही समझ आए लोगों को अकॉर्डिंग टू अगर सिर्फ लिरिकल वीडियो अगर सिर्फ हम ऑडियो ट्रैक सुनेंगे तो उस पर्सपेक्टिव से सुनेंगे कि तू क्यों माही छल्ले वो देख वो दिखेगा ना खुल्ले या तू है ना कि वो जब मतलब चली गई छोड़ गई वो सब कि वो चली गई लाइक वो ऐसे बता रहा है बट हम वीडियो के कंसेप्ट में अगर बात करें
तो काफी कुछ है कि यार कैसे कैसे शुरुआत हुई, वो एक बंदा आता है, वो स्माइली लेटर, लेटर देता लेटर है, आता है, है ना? मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि भाई हाँ कुछ लेटर आया कि हाँ। किसी ने, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इनके रिलेशनशिप में और उसने लेटर भेजा है, या फिर कुछ होता है ना कि लड़के की साइड से भेजा है, लड़के की साइड से भेजा कि तू आ जा, या फिर लड़के लड़का ये सब कर रहा है, ऐसे वो भी होता है ना कि एनवलप में फोटोज वगैरह या फिर कुछ प्राइवेट फोटोज वगैरह, कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इनके रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगा बट धीरे 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 ना वीडियो ट्विस्ट होती जा रही थी, है ना, कि वो उसको मिला, उसने बोला कि लाइक तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, ऐसे वो जहाँ से गई मेकअप करा, लाइक कोई मिशन लेके वो चली गई, है ना, तो वो कॉल कर रहा है दिव्या को, अर्जुन को कॉल कर रहा है, उसे लग रहा है कि वो उसका कॉल नहीं मिल रहा, उसने फिर उसको ढूंढना चालू कर दिया, हर जगह ढूंढना चालू कर दिया, तीन बंदा डिप्रेशन में चला गया भाई कि वो पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, मेन चीज ये थी वो प्रेग्नेंट थी, है ना, तो ये शो करता है कि हाँ वो शी वॉज इन डीपली लव विद अर्जुन, है ना, ये शो करता है, सिंबलाइज करता है, बट यार अगर बात करो यार वीडियो की, तो वीडियो में काफी ज्यादा लाइक एक देखा ना कि एक मैसेज कन्वे करा कि मतलब कि वो ना मिशन, वो ना अपने मिशन के उससे चली गई थी, है ना, फिर तीन साल बाद जब वो ग्रीस, उसके पास फोटो थी ना, तो उसने फोटो से मैच करा, वो किसी बॉक्स के अंदर थी, है ना, वुडन बॉक्स के अंदर, जैसे होता है ना कि सीक्रेट चीज को छुपा के रखते हैं, तो उसने उसने हर जगह ढूंढना उसको चालू, उसने सर्च भी करा ना, गूगल पे भी सर्च करा, इंस्टा पे आईडी, इंस्टा पे आईडी सर्च कर रहे थे, तो डीएक्टिवेट कर दी थी, और बाकी यार वो सब वो मैप में भी दिखा रहे हैं कि क्रॉस मार रहे की हर जगह उन्होंने देखा, एंड में जब तीन साल बाद ग्रीस में जाके देखा तो उन्होंने फोटो मैच करी, वो घर उनको दिखा, कोई एक आदमी दिखा और एक लड़का बच्चा दिखा, लड़का दिखा, सो वो बच्चा शायद उनका ही होगा अर्जुन, क्योंकि वो पहले वाला हस्बैंड प्रेग्नेंट थी, फिर यार उसको एक दोबारा लेटर आता है, है ना, कि मिशन कॉम्प्रोमाइज्ड, देन उन्होंने बटन दबाया, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो करो, है ना, ये सब उन्होंने बटन दबाया, एंड देन उनका बेबी डोर वगैरह लॉक हो गए ना, हाँ वो लॉक हो गए तो खुल नहीं रहा, फिर वो कोशिश कर रहे थे अंदर जाने के लिए बट शी वॉज गॉन, बट फाइनली में उनको उनका बेटा मिल गया, ये अच्छी बात है, और फिर वो वहीं खड़े थे जहाँ पे वो ना वो डियर को देख, हाँ। वो कॉफी का मग लेके चाय लेके आते थे, पता ना कि हाँ, तो स्टोरी काफी स्पेंड करना, तो हाँ। बेबी के साथ कहीं ना कहीं दिखाया, स्टार्टिंग में कुछ अलग ही लग रहा था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो चल रही थी, हाँ। वो टर्न्स लेते जा रही थी, है ना, अलग अलग हमें कुछ जानने को मिला, बट यार अगर कहीं ना कहीं स्टोरी के थ्रू भी देखो तो लड़के का यहाँ पे यूज किया गया, मिशन के अकॉर्डिंग, तो काफी बुरा लग रहा है यार वीडियो कॉन्सेप्ट देखते हुए, बाकी यार काफी अच्छी वीडियो, ध्यान लगा के बहुत दिमाग से वही वीडियो ट्रैक को बनाया गया है, वीडियो को भी और ऑडियो को भी एक एक लिए हुए हैं, कि लाइक वो जा रही है, वो टेलीफोन एक्सचेंज में जा रही है, वो है ना कि वहाँ पे भूत नहीं गई, वहाँ पे कॉल कर रहा, पता नहीं किसको कॉल करी किसको नहीं करी, वो एंडिंग में जो निकला वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, हम इनके आगे अपकमिंग ट्रैक्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टोरी लाइन जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगे, और बस इनकी आवाज बहुत मीठी है, वे माही तू भी चल ले आवे, है ना, जैसे लिरिक्स लिखे गए है ना, और गाने का तरीका जो है दोनों अलग है, अगर देखोगे ध्यान से, तो है ना बहुत सॉफ्ट आवाज है, बहुत सॉफ्ट आवाज है, बहुत प्यारी मीठी आवाज है, हो सकता है ऑटो ट्यून में इनको जरूरत नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, इतनी मीठी आवाज है, काफी सही ट्रैक है, आपको कैसा लगा ट्रैक, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द ओजी वीडियोस लिंक व्हिच इज मेंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन आल्सो टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।